फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ सोया चिली। तो मैं यहाँ पर पानी को गर्म करने के लिए ले लेती हूँ और पानी में ही मैं अपने फ्लेवर्स को ऐड कर दूँगी। तो पानी में मैं यहाँ पर डालूँगी सोया सॉस। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले यहाँ पर डाल देती हूँ हल्का सोया सॉस और यहीं पे मैं डालूँगी कुटी हुई लहसुन को और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम विनेगर और यहीं पर हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा प्याज और हल्का सा हम नमक ऐड करेंगे। तो ये मैंने नमक भी ऐड कर दिया। तो इन सभी को हम पकने देंगे थोड़ी देर ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर पानी में आ जाए इसका। तो यहीं पे हम थोड़ा सा अदरक भी डाल देते हैं, तो छोटा सा अदरक भी मैंने ऐड कर दिया है और यहीं पे हम अपने सोया चंक्स को भी डाल देंगे ताकि इसमें सारे फ्लेवर मिल जाए। तो सोया चंक्स हम डाल देते हैं इसमें और सारे फ्लेवर को इसमें भूनने देते हैं। तो आपको जितना खाना है उसके हिसाब से आप बनाएंगे। अब इन सभी को हम अच्छे से मिला लेते हैं और इसे पानी के सूखते तक हम इसे पकने देते हैं ताकि इसके अंदर इसका जो जूस बन रहा है वो घुल जाए और इसके अंदर पूरी तरह से मिल जाए। तो हम इसको पकने देते हैं और हम इसके लिए अपने जो सब्जियां हम इसमें ऐड करेंगे सोया चिली में, तो उसको हम बना लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है शिमला मिर्च, ये खड़ी लंबी लंबी इस तरह से प्याज काटी है मैंने और कुछ इस तरह से, और एक दो मिर्च ली है और अदरक। तो अदरक, मिर्च और लहसुन को मैं कूट लूँगी। तो मैंने यहाँ पे लहसुन और मिर्च और अदरक को ऐड कर लिया है, तो इसे मैं कूट लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हम अपने सोया चिली के लिए इसका सॉस तैयार कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सोया सॉस ले लेते हैं एक बड़ी चम्मच और यहीं पे हम टमाटो सॉस ले लेंगे 2-3 चम्मच। तो इसका फ्लेवर खट्टा, मीठा और तीखा हल्का आएगा। तो यहाँ पे हम टमाटो सॉस ले लेते हैं, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग और बढ़ा सकते हैं। और इसी में हम हल्का विनेगर ले लेते हैं और इन सभी को मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा सॉस बनकर तैयार हो चुका है, सोया चिली का सॉस। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें पानी सोयाबीन ने इसे सोख लिया है। तो इसमें हम अपने फ्लेवर्स ऐड कर देंगे और कॉर्नफ्लोर को ऐड कर देंगे और इसे तेल में अच्छे से क्रिस्पी होते तक तल लेंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये अंदर से बहुत ही जूसी है। तो देखिए, ये बहुत ही जूसी है और बाहर ये बहुत अभी अब गर्म है, इसमें जूस भी भरा हुआ है। तो यहीं पे हम अपने मसालों को और सब थोड़ा लहसुन और अदरक इसमें और मिर्ची का जो हमने क्रश करके रखा है उसे ऐड कर देंगे। तो हम चिली सॉस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देंगे और यहीं पे हम अपनी कुटी हुई लहसुन, मिर्च और अदरक को ऐड कर देंगे और थोड़ा सा यहाँ पे हम चिली सॉस को टमाटो सॉस यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने टमाटो सॉस को भी ऐड कर दिया है और यहीं पे हम चिली फ्लेक्स कॉर्न पाउडर को थोड़ा सा ऐड कर देंगे और मिक्स करके देखेंगे। फिर जितना हमें और चाहिए तो हम उसके हिसाब से और डाल देंगे इसमें। तो इन्हें हम मिक्स कर लेते हैं पहले। तो सोयाबीन में हमने कॉर्न फ्लोर को ऐड कर दिया है और इसे कोडेट कर दिया है। तो अब हम इसे गर्म ऑयल में डालते जाएंगे और इसे अच्छे से क्रिस्पी होते तक सेक लेंगे। तो हम पहले एक डालकर देखते हैं ऑयल में। तो ऑयल अभी गर्म नहीं हुआ है, थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो फ्रेंड, कॉर्न तेल गर्म हो रहा है तब तक हम लोग सैलरी बना लेते हैं। तो इसमें कॉर्न पाउडर को ले लेते हैं हम और इसमें पानी डालकर इसे घोल तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, कितने अच्छे से सिक रही है।
तो हम इसे अलग अलग करके ही डालेंगे ताकि ये एक दूसरे में ना चिपके। तो इसे बहुत ही क्रिस्पी अच्छे से हम सेक लेते हैं, तो ये क्रंचीनेस इसका बहुत अच्छा आता है सोया चिली सॉस बनाते हैं, सोया चिली बनाते हैं तो। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत अच्छे से सिक चुकी है और क्रंची हो चुकी है, तो हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह जो बाकी बचे हैं उसे भी सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही क्रंची सीके हुए हैं, तो इसी तरह हम सारे सोया चिली को सेक लेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे, फिर हम इसके सॉसेस तैयार करेंगे। तो ये अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी सिकी हुई है। देखिए आप इसको देखकर पहचान सकते हैं, अंदर से ये जूसी है और बाहर से क्रंची है, तो इस तरह से आप भी बनाएं। तो फ्रेंड्स जिसमें हमने सोया चिली को मिक्स किया था उसी में हम ये घोल भी डाल देते हैं ताकि इसमें जो फ्लेवर है वो ऐड हो जाए। तो हम इसी में इसको मिक्स कर देते हैं, थोड़ा और पानी ऐड कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे सारे सोया चिली सोयाबीन सिक कर तैयार हो चुके हैं, तो अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ऑयल को गर्म करने के लिए कढ़ाई को स्टोव में चढ़ा दिया है, अब इसमें मैं ऑयल ऐड कर लूँगी। तो मैं उसी ऑयल का यूज़ करूँगी यहाँ पर क्योंकि उसमें फ्लेवर मिले हुए हैं, तो ये मैं ऑयल ऐड कर देती हूँ। तो ऑयल हम थोड़ा डालेंगे और यहीं पर हम अपने जो क्रश करके रखा हुआ है लहसुन अदरक और मिर्च का उसको ऐड कर देंगे, और इसे ज़्यादा हम सेकेंगे नहीं, हल्का ही सेकेंगे। तो फ्रेंड देखिए हल्का सा भुन चुका है, तो यहीं पे हम अपने प्याज को भी ऐड कर देंगे और इस तरह सभी सब्जियों को ऐड कर देंगे जो हमने काट कर रखा है। तो यहीं पे हम शिमला मिर्च को भी ऐड कर देंगे और इसे ज़्यादा देर तक नहीं गलाएंगे, हल्का ही सौते करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है लहसुन और अदरक का, तो हम इन सभी को मिलाकर थोड़े देर के लिए एक मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स ये हल्की भून चुकी है, तो यहीं पे हम अपने सॉसेस को ऐड कर देंगे। तो ये हमने जो सॉस मिक्स करके रखी थी उसमें हमने चिली सॉस हल्का सा ऐड किया है, तो ये सभी चीज़ों को हम ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा सा पकने देते हैं। फिर यहीं पे हम अपने जो हमने कॉर्न का स्टार्च कॉर्न फ्लोर का घोल बनाया है उसे भी ऐड कर देंगे। तो अब मैं इसके घोल को भी ऐड कर देती हूँ और आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप उसको ऐड करें और इसे मिलाकर कॉर्न के घोल को पकने देते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स मेरी घोल तैयार हो चुकी है, तो यहीं पे हम सोयाबीन को भी ऐड कर देते हैं। तो सोया चंक्स को हम इस तरह से ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारी सोया चिली बनकर तैयार हो चुकी है, तो ये बहुत ही ईजी है, मार्केट से लेकर खाने से अच्छा है कि आप घर में ही इसे बनाकर खाएं। तो ये बहुत ही यम्मी लग रही है देखने में, तो आप भी इसे बनाकर घर में खा सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाती है ये, ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता है, प्रिपरेशन में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी ये बनने में बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो इस तरह से ये मेरा सोयाबीन का सोया चिली बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स यहीं पे मैं अपने धनिया के पत्ती को ऐड कर देती हूँ और इसे सर्व कर देती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स मेरी सोया चिली तैयार हो चुकी है, तो आप भी इसे एंजॉय कीजिए और आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर। तो ये टेस्टी सी अंदर से क्रिस्पी और बाहर से जूसी खाकर देखिए और अपने फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। बाय बाय, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।